पाकिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी सरगना हाफिज सईद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। एक और कूटनीतिक जीत का पूरे देश को इंतजार है। कुलभूषण जाधव पर कुछ ही देर में अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला आने वाला है और पाकिस्तान एक बार फिर मौके खाने वाला है। लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत के साथ ही पाकिस्तान की फितरत भी दुनिया के सामने है। 22 जुलाई को इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है और पाकिस्तान की धोखेबाज फितरत ये सवाल खड़े करती है। पहला, कि हाफिज की गिरफ्तारी वास्तव में आतंक पर चोट है या पाकिस्तान का नया नापाक पैतरा। सवाल ये भी, इमरान खान पीएम मोदी से डर गए हैं या अमेरिकी राष्ट्रपति को भरमाने की फिराक में है। और सवाल ये भी, कुलभूषण जाधव पर भी अपनी साजिश कबूल करेगा पाकिस्तान? अपने खास मेहमानों से आज हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे परिचय कराएं और उनके साथ चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों में पाकिस्तान के फरेब, साजिश और दो मुहेपन की कहानी छिपी है। चाहे जो नाम चुन लीजिए, हाफिज सईद का, कुलदीप जाधव का, आपको पाकिस्तान का दोगलापन समझने में वक्त नहीं लगेगा और ना ये समझने में वक्त लगेगा कि साजिश की लकीरें खींचने वाला पाकिस्तान कैसे आतंक का फंदा तैयार करता है। लाहौर में हाफिज सईद की गिरफ्तारी की ताजा खबर एक बार फिर पाकिस्तान के फरेब का फंदा ही नजर आती है। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान और उसके वजीर आजम इमरान खान दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने की तैयारी कर रहे हैं और खुद को पाक साफ साबित करने की, ताकि दहशतगर्दी के खून से सने पाकिस्तान का चेहरा चमकाया जा सके। इमरान खान के लिए ऐसा करना मजबूरी भी है। आतंक के दाग से बदनुमा पाकिस्तान को भारत ने सारी दुनिया में हाशिए पर डाल दिया है। 22 तारीख को वहाँ के वजीर आजम इमरान खान की मीटिंग है ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और यूनाइटेड स्टेट्स उनसे बहुत नाराज है। आतंकवाद का भी एक बड़ा मुद्दा उनके साथ बना हुआ है आतंकवाद को लेके। TCC भारत का स्वयं बहुत प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। वो बालाकोट की स्ट्राइक के बाद से बिल्कुल डर गए हैं। उनको डर है कि कहीं अगर उन्होंने कोई ये स्टेप बड़ा नहीं लिया तो भारत भी इस तरह का कदम उठा सकता है हाफिज सईद के खिलाफ। इमरान अगले हफ्ते ट्रंप से मिलने वाले हैं। कंगाली के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को चाहिए डॉलर की भीख। और भारत ने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर जिस तरह हाशिए पर डाल रखा है, उसे देखते हुए अमेरिकी मदद मिलना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं दिखता। ऐसे में कूटनीतिज्ञों का मानना है कि ट्रंप को भरमाने के लिए हाफिज की गिरफ्तारी इमरान की चाल भी हो सकती है। वैसे पाकिस्तान का ये पैतरा भी पुराना हो चुका है। मसूद अजहर पर हिंदुस्तान में मोदी सरकार की तरफ से कार्रवाई के दबाव के बावजूद पाकिस्तान किस तरह टालता रहा है, ये दुनिया देख चुकी है। आखिरकार मसूद पर UN ने प्रतिबंध लगाया, जिसके बाद भी चीन ने अड़ंगा लगाना जारी रखा। हालांकि भारत की कूटनीति ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद मसूद पर कार्रवाई हो सकी। कुछ ऐसा ही फरेब कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने किया, लेकिन हिंदुस्तान ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान के चेहरे से नकाब नोच लिया। पाकिस्तान में सैन्य अदालतों के गठन से लेकर वियना संधि के उल्लंघन से जुड़े तमाम सबूत को सिलसिलेवार ढंग से रखकर ये साबित करने में देर नहीं लगाई कि दरअसल जिस जाधव को जासूस बताने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है वो बेगुनाह है। 17 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बीते 2 सालों के दौरान अलग अलग तरह से इस मामले पर सुनवाई हुई। पहले दोनों देशों को लिखित रूप में अपनी बात कहने को कहा गया, फिर दोनों को एक दूसरे का पक्ष काटने के लिए जो एडिशनल मेमोरियल्स हैं वो देने की इजाजत दी गई। ये देखिए किस तरीके से लिखित और मौखिक दलीलें दोनों देश अपने अपनी तरफ से दे चुके हैं। आज जब 17 जुलाई को इस मामले पर फैसला आना है तो 16 जजों की बेंच खुली अदालत के अंदर यह फैसला सुनाएगी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष जज अब्दुल कावी यूसुफ फैसला पढ़ेंगे। मोदी सरकार की सख्त नीति के आगे घुटनों पर आए पाकिस्तान की हरकतों में हालांकि ये सवाल अब भी बरकरार है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंक के सरगना हाफिज सईद की गिरफ्तारी वास्तव में आतंक पर चोट है या पाकिस्तान का नया नापाक पैतरा।
इमरान खान पीएम मोदी से डर गए हैं या अमेरिकी राष्ट्रपति को भरमाने की फिराक में हैं? और क्या कुलभूषण जाधव पर भी अपनी साजिश कबूल करेगा पाकिस्तान? हेग से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, जिनकी निगाहें हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जुड़े मसलों पर बारीकी से रहती है। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं पीके सहगल साहब, ब्यूरोक्रेसी में लंबे समय तक सेवा दे चुके और विदेश सेवा में रहते हुए बतौर राजनयिक अनुभव रखने वाले जेके त्रिपाठी जी भी हैं यहाँ पर, और भाजपा की तरफ से पक्ष रखने वाले हमारे साथ संजय राय होंगे, और सेना से ही हमारे साथ यहाँ पर कर्नल आरपी सिंह भी होंगे, और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर शिरकत करेंगे हाजी मोहम्मद सलीस साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सहगल साहब मैं आपसे लूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो सामरिक रणनीति है उसमें दरअसल आतंकवाद भी एक नीति की तरह होता है। ऐसी स्थिति में जो ये स्टेप उठाया गया है, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले इमरान खान साहब की, ये कई बार पहले भी उनको पकड़ा गया, छोड़ा गया, जिनको वो कहते हैं हाफिज़ सईद साहब अक्सर उनको किया जाता है, तो ये हाफिज़ सईद की जो गिरफ्तारी है ये कितना बड़ा धोखा है या वाकई कुछ डर या कुछ गंभीरता आपको इसमें नज़र आ रही है? देखो, मुझे तो किसी प्रकार की कोई गंभीरता नज़र नहीं आ रही। इस समय पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त दबाव पर है। साफ तौर FATF ने पाकिस्तान को नोटिस दिया हुआ है कि अक्टूबर में वो ग्रेलिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल टूट जाएगी, उसको हर प्रकार के फंडिंग ख़त्म हो जाएगी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, FATF, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका, सबका प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान ने हर एक इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश है कि दुनिया की आंखों में झांसा डाला जाए, FATF की आंखों में झांसा डाला जाए और डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। इसी के साथ अगर आप देखो तो जो हमने करतारपुर कॉरिडोर के समय भी वो हिंदुस्तान के सामने झुक गया, हर हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया, वो दर्शाना चाहता है कि हम तो हर प्रकार से हिंदुस्तान की बात मान रहे हैं। एयर स्पेस का खोलना भी 48 घंटे पहले, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान कम्प्लीटली बैक फुट पर है और वास्तव में वो दुनिया को कन्विंस करना चाहता है कि वो अपने रवैये को बदली कर रहा है। लेकिन ये केवल झांसा है और झांसा है। पाकिस्तान ने आज नहीं, कई बार इसको पहले भी गिरफ्तार किया है लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उसको VIP ट्रीटमेंट देते हैं जेल में, ना कि एक उसने 166 लोगों का मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको एक मर्डर की तरह ट्रीट करना चाहिए जेल में, लेकिन जेल में वास्तव में उसको सुपर VIP की तरह ट्रीट किया जाता है। लाहौर हाईकोर्ट साफ तौर पे कहता है कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है जिसके तहत उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान ने माउंटेंस ऑफ एविडेंस दिया है, अमेरिका ने माउंटेंस ऑफ एविडेंस दिया है, लेकिन पाकिस्तान के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो कोर्ट के सामने किसी प्रकार का एविडेंस रखते ही नहीं है, जिसकी बदौलत कोर्ट कहता है कि किसी प्रकार का कोई पुख्ता एविडेंस ही नहीं है, जो एविडेंस के ना होते उस समय उसको कैसे हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल सहगल साहब, देखिए बात वही है, हाफिज सईद जो है एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। प्लीज आप अपनी बात पूरी करें। 2012 में अमेरिका ने उसको एक स्पेशल टेररिस्ट घोषित किया और उसके सिर के ऊपर $10 मिलियन का इनाम भी रखा जी। उसके बावजूद भी पाकिस्तान उसको उस माफिया का टेररिस्ट मानता ही नहीं। वो कहता है कि वो मुंबई कांड में किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है जी। वो तो यहाँ तक कह रहा है कि उसको LET से या जैश मोहम्मद से किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कहता है वो तो एक नेक इंसान है जो सेमिनरी चलाता है, स्कूल चलाता है, हॉस्पिटल चलाता है और लोग कल्याण के लिए काम करता है। वास्तव में इसका असली रूप बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान उसको एक भला मानस समझता है जबकि दुनिया उसको एक जी वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा की तरफ देखते हैं। बिल्कुल ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है उसको UN। त्रिपाठी जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो बात अभी सहगल साहब कह रहे थे कि जमात उद दावा को प्रतिबंधित करना चाहिए था जब उसको ग्लोबल टेररिस्ट बता दिया गया है, उसके संगठन को, उसके जो दोनों संगठन हैं, लेकिन उसको सिर्फ निगरानी में रखा है पाकिस्तान ने और पहले भी वो उसको हिरासत में लेता रहा है और VIP ट्रीटमेंट भी देता रहा है और अमन का फरिश्ता बनने की जो कोशिश है इमरान खान की, और उसको जब वो बता रहे हैं कि वो बड़ा लोक कल्याणकारी योजनाएँ चला रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम कर रहा है, तो ऐसे शख्स को
22 तारीख के बाद अभी उन्होंने गिरफ्तार किया है, क्या इसके बाद आपको लगता है कि बस उसको छोड़ भी देगा? और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी, क्योंकि 6:30 बजे पूरे हिंदुस्तान की निगाहें लगी हुई हैं, हमारे एक जो हमारा जो एक बंदा है यहाँ से कुलभूषण जाधव भारत, उसको लेकर किस तरीके से उन्होंने एक पूरा प्लॉट रचा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो मामला चलता है, उनकी वहाँ पर एक तरीके से उनकी मृत्युदंड वहाँ पर वो खारिज कर दिया जाता है, उसको उस पर रोक लगा दी जाती है, आज उस पर भी फैसला आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको लगता है कि उस पर भी कुछ हमारे लिए खुशखबरी आने वाली है? देखिए, आपके पहले सवाल के जवाब में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जनरल सागल से पूरी तरह सहमत हूँ कि हाफिज़ सईद को गिरफ़्तार करना ये एक बड़ा ढोंग है जो लगातार जारी है। जो आदमी इंटरनेशनल टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका हो, जिस आदमी के ऊपर अमेरिका ने इनाम जिसके सर पे लगाया हो, जिस आदमी के कई इदारे, कई संस्थान जो हैं वो प्रतिबंधित हो चुके हों, जिस आदमी की ये हिस्ट्री है कि उसको बार बार गिरफ़्तार करके उसको बहुत ही VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो पूरे पाकिस्तान में धड़ल्ले से घूमता है, उस आदमी के बारे में हम पाकिस्तान से क्या उम्मीद करें कि पाकिस्तान उसके प्रति सीरियस होगा? इसलिए भी कि पाकिस्तान ये दिखावा इसलिए कर रहा है कि इमरान खान मिलने जा रहे हैं ट्रंप से, और इसलिए भी दिखावा कर रहा है कि अभी पाकिस्तान कॉर्नर्ड है, जैसा कि जनरल सहगल ने कहा है, तमाम संस्थाएँ, तमाम FATF, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह वगैरह, सारे संस्थाएं इसके खिलाफ हैं, इसलिए पाकिस्तान को कुछ फेस सेविंग के लिए दिखाना है। जहां तक दूसरी बात है कुलभूषण जाधव की, तो मेरे ख्याल से जो फैसला आएगा जी, मतलब उनके रिकॉर्ड को देखते हुए, ICJ के रिकॉर्ड को देखते हुए, ये हमें नहीं उम्मीद करनी चाहिए कि उनको पूरी तरह से बरी कर दिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है, और वो हमारे लिए सबसे, वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीत होगी कि ICJ ये कहे कि पाकिस्तान द्वारा किया गया सारा ट्रायल गलत है, क्योंकि प्रोसीजरली रॉन्ग है, कंसुलर एक्सेस नहीं दिया गया, उसको वैधानिक सलाह नहीं दी गई, वैधानिक सहायता नहीं दी गई, और इस बेसिस पे वो रॉन्ग घोषित हो सकता है। अब वो अगर ट्रायल गलत घोषित हो जाए तो उसके बाद ICJ यही कहेगा, जहाँ तक मेरा विचार है, वैसे तो अगर पूरी तरह बरी हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ICJ यही कहेगा कि अब आप कुलभूषण यादव को सिविल कोर्ट में सुनवाई कीजिए, कंसुलर एक्सेस दीजिए, वैधानिक सहायता और सलाह दिलवाइए, और पूरी तरह से ओपन प्रोसेस। पटेल जी, हम अपने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो विजुअल्स हैं, ये देखिए, ये पुलिस की हिरासत में जो तथाकथित गिरफ्तारी है हाफिज सईद की, वो देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर, उनको लेते उसको लेके जा रहे हैं गुजरांवाला में, उनको लेकर जाते हुए, और इन्हीं तस्वीरों के बूते पर शायद डोनाल्ड ट्रंप से कहा जाएगा कि देखिए हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें तो साहब आ गई है सामने, लेकिन अब वो किस तरीके की जेल होती है, पहनाई हुई है उसको, देख लीजिए, इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसको हथकड़ी पहनाए बिना ले जा रहे हैं एकदम सम्मान के साथ, ये खुद प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। दरअसल ये दिखाता है ना पाकिस्तान, देखिए कुल मिला के ये जो अब उसको सिक्कों की खनक की बजाय डॉलरों की कड़क कह लें, कुछ जो डॉलर की जो भीख चाहिए पाकिस्तान को, जो कि अमेरिका ने अपनी इमदाद रोक दी, उनको सारी मदद रोक दी है, तो उसके बाद जिस तरीके से कंगाली के बिल्कुल मुहाने पर बैठा हुआ है पाकिस्तान, उसको कुछ डॉलर्स की ज़रूरत है, और वो उसको अमेरिका से पूरी हो सकती है, तो जो शर्तें लगाई गई हैं तो उनको दिखाने के लिए तो ये कर दिया गया है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ भाजपा नेता संजय राय भी मौजूद हैं, भाजपा प्रवक्ता। संजय राय जी, कुल मिला के हाफिज सईद को पहले भी पकड़ा जाता रहा, अभी भी पकड़े गए हैं, और कुलभूषण जाधव के मसले पर भारत सरकार ने, वो चाहे आपके मोदी के नेतृत्व में सरकार हो या इससे पहले UPA सरकार थी, भारत तो भारत ही है, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, उसमें कोशिशें चलती रहीं, लेकिन अभी मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि वाकई मोदी सरकार इतना दबाव बनाकर रखने में लगातार कायम रहेगी कि हाफिज सईद 22 तारीख के बाद भी जेल के अंदर रहेगा, और दूसरा कुलभूषण जाधव के मसले पर कितनी उम्मीदें हैं आपको? राजकिशोर जी, मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वास्तव में आज जो दुनिया भर में आतंकवाद है, पूरे दुनिया में, सही में उसका अगर कोई उद्गम केंद्र रहा है तो वो पाकिस्तान रहा है जी। अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ज़माने में पाकिस्तान ने इस पूरे प्रक्रिया की शुरुआत किया, और बाद में अफगानिस्तान के बाद
जो है उन्होंने इन लोगों को जिनको अफगानिस्तान भेजा था उन लोगों को विधिवत वहाँ की सेना ट्रेनिंग देती थी और उनको मुजाहिद नाम दिया। और एक इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जो वहाँ सेनाध्यक्ष भी थे उन्होंने कहा भी कि हाँ हमारे जो कश्मीर में जो भी लोग या भारत में लड़ रहे हैं वो सब हमारे मुजाहिदीन हैं और वो जो है कि वहाँ स्वतंत्रता के लिए, तो वो लोग जो है इसको वहाँ के पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का आतंकवाद को एक पूरा उनका प्रश्रय है। वो जो बालाकोट की घटना हुई जो है जो एयर स्ट्राइक में वो पूरा वहाँ मिलिट्री के लोग ट्रेनिंग देते थे आतंकवादियों को, मतलब विधिवत मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। और दुनिया में इस समय जो है कि एक ऐसा देश पाकिस्तान है जो आतंकवाद को जो है कि बिल्कुल प्रश्रय देता है लेकिन जब दबाव पड़ता है तो पीछे हटता है। जैसे अभी एक दबाव तो आपने बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप से आगे संभावित उनकी मीटिंग है प्रधानमंत्री पाकिस्तान की, दूसरा एक और दबाव है कि जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत कमज़ोर है और वो जो है कि ग्रे लिस्ट में उनको लाए हैं, ब्लैक लिस्ट होने की संभावना है, उससे भी बचने का उस पर भी एक आई वास के लिए कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये थी कि जो कश्मीर में नवासी में इन्होंने विधिवत रूप से आतंकवादियों को भेजा और जो ठीक ढंग से वहाँ आतंकवाद फैलाए, वहाँ कश्मीरी हिंदुओं को बाहर किया, वहाँ से वहाँ मारा पीटा और कितनी हत्याएं की, वो लोग फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद मुंबई बम विस्फोट और जो है 24/11 जैसी घटना करते हुए, और मैं एक बात केवल एक बात राजकिशोर जी कि 2014 की सरकार जब मोदी जी की बनी भारत में, उसके पहले पूरे देश में सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, वो जो है कि अयोध्या तक आ गए, वो जो है कि काशी तक आ गए, संकट मोचन मंदिर तक पहुंच गए, उसको पिछली 5 साल में मोदी जी की सरकार ने कंट्रोल करके कश्मीर में उसको रोका, आतंकवाद कश्मीर से बाहर नहीं गया। दूसरी बात कि बिल्कुल हमारा प्रयास है, और जब बालाकोट की घटना के बाद लग रहा था पाकिस्तान को कि भारत और अटैक करेगा तो उस समय भी पाकिस्तान ने छापा डालने का एक फर्जी कार्रवाई किया, बहुत सारे जो है कि मदरसों पे आतंकवादी ठिकानों पर दिखावे का छापेमारी की गई। लेकिन जैसा सागल साहब ने कहा कि बात सही है कि इनको कितने, आपने खुद कहा कि बिना हथकड़ी लगाए एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को ले जा रहे हैं इतने सम्मान के साथ, और वो लोग तो कहते भी हैं वहां के पूरे पब्लिक डोमेन में है कि अरे वो तो संत हैं, समाज सुधारक हैं, तो निश्चित रूप से यह केवल दिखावा है। और जहां तक कुलभूषण जाधव का सवाल है, एक छोटा सवाल और था, वो ये बात है कि देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक्सेप्ट कर लिया भारत के स्टैंड को और स्वीकार किया उस केस को सुनने के लिए, ये पहली आपकी जीत है, भारत की पहली जीत है, और दूसरा जो भी रिलीफ मिलती है वो हमारी जीत है। लेकिन हमको ऐसा लगता है, भारत सरकार को ऐसा लगता है कि पूरा ट्रायल बोगस था, हमको लग रहा है कि उनको पूरी तरह से रिलीफ मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं भारत जी, सरकार भी ऐसा उम्मीद करते हैं। मैं कर्नल आरपी सिंह भी आपके पास आना चाहूँगा, आप फौजी हैं और किस तरीके से आतंकवाद से लड़ने में किस तरीके से हमारी सेना और हमारे जवान शहादत देते हैं, और उसके बाद हाफिज सईद जैसे जो तथा कथित, जब उनको ये बताया जाता है कि वो समाज सुधारक हैं, तो ऐसे समाज सुधारकों को सुधारने के लिए जो इन्वर्टेड कॉमास वाले हैं, इनको कैसे मतलब डील किया जाए? जो भारत की जो अभी रणनीति है, आपको लगता है कि आने वाले समय में वाकई दबाव बनेगा या डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद इमरान खान साहब के वो फिर से एक तरीके से खास मेहमान हो जाएंगे? कि जो 2019 से जो रणनीति बन रही है भारत सरकार की, वो एक सही रणनीति बन रही है जी। और इस रणनीति के दौरान में ही जो मैं देख रहा हूँ वो बालाकोट नहीं बल्कि पुलवामा से शुरू हुआ है जी। क्योंकि यही शख्स हैं जिन्होंने पुलवामा के अंदर लेटेस्ट बम ब्लास्ट हुआ था, और अगर आपको याद होगा तो उस समय जिस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी और जो वहाँ पे जेएनके के अंदर गवर्नमेंट की उनकी ढिलाई और शीतलता के अनुसार ही ये कार्रवाई हुई थी जी। मुझे याद है कि जब हम लोग सेना में रहते हैं तो 2 बार सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये मौका दिया गया था कि जेएनके के अंदर पॉलिटिकल जो है शासन सही ढंग से चलाया जाए जी। लेकिन अब स्थिति ये जो है, जो अभी जो सेकेंड टेन्योर में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हैं उन्होंने अपने चारों मुख्य मंत्रियों को ऐसे विभाग दिए हैं जिसके वजह से
हर ये चारों विभाग इतने स्ट्रांग हुए हैं कि जो कि पाकिस्तान को हैंडल करने में फाइनेंशियली, डिफेंस के तौर से और इंटरनेशनली और सामाजिक तौर से ये चारों तरह से उनको जकड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि आप अगर आप देखें तो पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि कभी भी राजनीति में नहीं है, उनको एक डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है जी जी, जो कि अमेरिका के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। ये कोई पाकिस्तान इस तरह की चाल नहीं चल रहा है, बल्कि वो ये चाल नहीं है, बल्कि वो अपनी जान बचाना चाहता है, इकोनॉमिकली अपने को सुदृढ़ करने की फिर से कोशिश कर रहा है जी। अगर वो सक्सेस हो गया तो उसके लिए जो है जो जो अभी उसकी स्थिति है वो ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। और अक्टूबर के महीने में फिर से ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें कि अगर ग्रे लिस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, तो उसकी पूरी फंडिंग इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक से लेकर के जो भी एड्स हैं, जो भी वो चीज़ें हैं, आपके जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा मनाही कर दी जाएगी, ठीक है। और ये G7 की ऐसी संस्था है जो कि जब मनाही हो जाएगी तो पाकिस्तान को काफी खोखला कर दिया जाएगा। सिंह साहब, इस वजह से जो है सिंह साहब सेना की कार्रवाइयों को करने में बड़ी आसानी होगी और एक आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। कर्नल साहब जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर चल रही है, जिस तरीके के सम्मान के साथ हाफिज सईद साहब जिनको ये बताते हैं उनको लेके जा रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि वाकई पाकिस्तान सिर्फ दबाव में और लगातार चूंकि दबाव में करते हुए दिख तो रहा है लेकिन करेगा, कम से कम ये तस्वीरें ऐसा दिखाती नहीं है। यहाँ जब आप कुछ बोल रहे थे तो त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा कि त्रिपाठी जी क्या कहना चाह रहे थे आप जो कर्नल साहब बोल रहे थे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इस स्थिति में क्या है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका को ही नहीं दिखाना है, पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी दिखाना चाहता है जी। और उनको ये आश्वस्त करना चाहता है खुलेआम नहीं कुछ कर नहीं रहे कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हाफिज साहब की सिक्योरिटी, उनकी महफूजियत हमारी जिम्मेदारी है। मैं जी, आपने जो बात की, हमारे साथ हाजी मोहम्मद सरीस साहब हैं। हाजी साहब, मैं इस मानसिकता को समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं और आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे और समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को कि जब कोई आतंकवादी है तो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में जो हमारे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो कसाब या जो दूसरे आतंकवादी हैं जो इंसानियत के नाम पे ख़तरा होते हैं उनको कब्रिस्तान में ज़मीन देने से भी मना कर देते हैं, लेकिन ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा इस्लाम है जिसमें पाकिस्तान इस तरीके के दानवों को, राक्षसों को, जो इंसानियत के दुश्मन है, जमहूरियत के दुश्मन है और जो मानवता के दुश्मन है, इन लोगों को इस तरीके से VIP ट्रीटमेंट देता है? आखिर इनका इलाज क्या है, कैसे इनको कैटर किया जा सकता है, इनको कैसे किनारे किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए पहले तो हमारी विदेश नीति जिस लाइन पर चल रही है, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर अलग थलग करके ये एहसास दिलाने में सफलता प्राप्त की कि पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षक देश है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अस्थिरता पैदा कर रहा है, लेकिन हमें इसके पीछे जाना होगा कि आखिर ये दहशतगर्दी का असली नायक कौन है जी, जिसने दहशतगर्दी को अपने मफाद के लिए, आपको जाना होगा अफ़गानिस्तान की उस तहरीक की तरफ जिसको तालिबान के नाम पर खड़ा किया गया था और अमेरिका ने जिसकी पुष्पनाही करके पाकिस्तान के ज़रिए दहशतगर्दों को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की थी कि वो रशा को उसके मंसूबों में फेल करे, ये उसी प्रोजेक्शन का काम था। अब रह गया इसका ताल्लुक इस्लाम और शरीयत से, तो हम पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम नौजवानों से आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम का बुनियादी फ़लसफ़ा है अदल व इंसाफ का क़याम करना। इस्लाम कुरान कहता है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या संपूर्ण मानव जाति की हत्या। आज इस्लाम के नाम पर जिस दहशतगर्दी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम मानवता को,
इस्लाम इंसानियत को परवान चढ़ाने वाला मजहब है। इस्लाम के नाम पर जितनी भी तहरीकें, चाहे वो कश्मीर के अंदर जिहाद के जिहाद कर रहे हों ना समझ नौजवान, चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते में, ये ज़मीनों की लड़ाई हो रही है, कहीं भी इस्लाम के निफास की लड़ाई नहीं है। इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमान मजहबी आज़ादी के साथ रह रहा है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सारी चीज़ें अदा कर रहा है। लेकिन आज जिस तरह से इस्लाम को, जब इस्लाम की तलवार जंग आलूद होकर अपने म्यान में चली गई, तब इस्लाम पर यह बोहतान तराशा जा रहा है कि जिहाद है, और यह हाफिज सईद जैसे नाअकबत अंदेश लोगों की देन है कि जिन्होंने कुरान का हिफ्ज किया लेकिन कुरान को समझा नहीं। कुरान दुनिया में अदल इंसाफ कायम करने आया, लिहाजा वो नौजवान जो इनके झांसे में आकर इनके कहने पर जन्नत की लालच जो ये दिखाते हैं, ये खुद जन्नतों में नहीं दाखिल होंगे। क्योंकि बंदे खुदा, तमाम इंसान, इस्लाम का बुनियादी फलसफा है कि हम तमाम इंसान एक आदम और हव्वा की औलाद हैं, लिहाजा इस नस्बत से दुनिया के किसी खित्ते में बसने वाला इंसान हमारा भाई है। तो भाई का भाई से कत्ल कराकर कौन सा दीन ये पेश करना चाहते हैं? दीन इस्लाम को बदनाम करना बंद करें, इस्लाम। और रही बात दूसरी कि हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत जिस तरह से कोशिशें कर रही है, हम सब उनके पीछे खड़े हैं। जब हमारे देश के सत्ता, हमारे देश के इख्तदार, हमारे देश की आबरू, हमारे देश की अखंडता, एकता की कोई बात आएगी, तो हमारे खून का, हमारी औलादों की खून का आखिरी कतरा इस देश की हिफाजत के लिए उसी तरह कुर्बान होगा जिस तरह से वो झूठा जिहाद कह के कर रहे हैं। हम सच्चा जिहाद करके बताएंगे कि अगर हमारी सरहदों की तरफ किसी ने देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। बिल्कुल हाजी साहब, देखिए ये वो जज्बा है और ये वो ईमान है, ये वो इंसानियत है और ये वो धर्म है जो सिखाता है कि मानवता के लिए किस तरीके से खड़ा होना है। और पता नहीं क्यों ये चंद गुमराह लोग नहीं समझ पाते हैं। और जिस तरीके की कोशिशें इन्होंने की भारत को बर्बाद करने के लिए, अंततः किस तरीके से देख सकते हैं, कश्मीर के नाम पे पूरा अपना देश ही बर्बादी कगार पे खड़ा कर लिया। सहगल साहब, मैं फिर आपके पास आना चाहूँगा। हम जो चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आतंकवाद भी इनकी एक नीति की तरह है और धीरे धीरे पाकिस्तान भी उसकी गिरफ्त में आता जा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, एक तरफ बालाकोट भी होता है, पुलवामा के बाद सब चीज़ें होती हैं, पर ये क्या वाकई समझने को तैयार नहीं? आखिर किस कीमत पर पाकिस्तान समझेगा? क्योंकि ये तस्वीरें तो कतई नहीं बताती कि वो बहुत ज़्यादा कोई कड़ी कार्रवाई करने के मूड में हैं। ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनको बिल्कुल आराम से जिस तरीके से लेके जा रहे हैं। और जो बात यहाँ त्रिपाठी जी कह रहे थे कि उनकी चिंता एक तरफ तो दुनिया को ये बताने की है कि भाई उनको चूंकि पैसे की कमी है, पैसा चाहिए, और पैसा किस लिए चाहिए? जिहाद के नाम पर इसी आतंकवाद पर खर्च करेंगे। और दूसरी तरफ वो अपनी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या वाकई पाकिस्तान में जनता चाहती है? जनता के बीच में इतनी बड़ी, हाफिज मोहम्मद सईद जो साहब उनको बताया जा रहा, वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, उनको लेकर इस तरीके के भाव हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है पाकिस्तान सरकार, तो क्या जनता पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? क्या चिंता है ये? देखो, पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि इस समय जहाँ तक हाफिज सईद है, हाफिज सईद पाकिस्तान के आवाम के दिल में छा गया हुआ है। पाकिस्तान के जीन्स में और डीएनए में हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत है। बच्चे जब छोटी उम्र के, 4 साल से 5 साल से, उनको हिंदुस्तान के खिलाफ केवल नफरत और नफरत ही सिखाई जाती है जी। उनके लिए हाफिज सईद जैसा आदमी जो है एक नेशनल हीरो है, एक नेशनल एसेट है, एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, जिसको इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। 24/7 365 days हाफिज सईद जैसे लोग जो हैं वो साजिश में रहते हैं कि कैसे नए हादसे को अंजाम दिया जाए हिंदुस्तान को, जान का नुकसान पहुंचाने के लिए, माल का नुकसान पहुंचाना चाहे, हिंदुस्तान के युवकों को बर्बाद किया जाए ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज किया जाए फेक करेंसी के माध्यम से। और जो तस्वीरें दर्शा रही हैं वो साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि उसको बड़े सम्मान के साथ में ले जाया जा रहा है जी। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि केवल ये दुनिया की आंखों में झांसा डालना है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने अनेकों अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को बेवकूफ बनाया है। वो $2.3 billion एड देते रहे तकरीबन 15 साल के लिए जी। और उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या दिया? केवल धोखा, डिवियसनेस, और बजाय आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो कार्रवाई करते रहे अमेरिका और नेटो के खिलाफ जी। ऐसे में वो ट्रंप जो हैं किसी प्रकार से पाकिस्तान के झांसे में नहीं आने वाले। मुझे लगता है कि काफी डिप्लोमेटिकली
वो इमरान खान को ड्रेसिंग डाउन करेंगे जी, तो ये ट्रंप ब्लंट है, वो साफ तौर पे उसको ड्रेसिंग, लेकिन लेकिन पाकिस्तान ये दुनिया की आंखों में झांसा डालता रहेगा अक्टूबर तक। अक्टूबर में FATF की मीटिंग, FATF की फाइनल फाइनल मीटिंग है जिसमें ये डिसाइड होगा कि उसको ग्रे लिस्ट में रखना है कि ब्लैक लिस्ट में रखना है। जब तक ये मीटिंग नहीं होती पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल हालात में है। अक्टूबर के बाद में जो FATF की लीडरशिप है, जो प्रेसिडेंट FATF के, वो चाइना बन जाएगा जी। तो तब उसको पाकिस्तान को लगता है कि जब चाइना प्रेसिडेंसी अख्तियार कर लेगा तो FATF पाकिस्तान के खिलाफ उस माफिक सख्ती नहीं दे पाएगा। इसलिए पाकिस्तान को इस समय मजबूरन अक्टूबर तक दुनिया की आंखों में झांसा डालना है जी। आपने बहुत इसको निगाह में रखते हुए जी आपने बहुत अहम बात बताई, किस तरीके से जो है चाइना के FATF की जो है सदारत हासिल करने का वो इंतजार कर रहा है। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास इसी सवाल को लेकर आऊंगा। ये एक डिजाइन साफ साफ दिखाई पड़ती कि जब भी दबाव पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर, जब पूरी दुनिया का, UN का, अमेरिका का दबाव पड़ता है, तो वो उस समय तो कुछ कार्रवाई करते हुए दिखने की कोशिश करता है। अब फिर वो कार्रवाई करते दिखने की कोशिश कर रहा था, जो बात सहगल साहब कह रहे थे कि ट्रंप साफ साफ जबकि कह चुके हैं कि अमेरिका को एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया पाकिस्तान ने, तो क्या इस बार भी अमेरिका बेवकूफ़ बनेगा और पूरी दुनिया बेवकूफ़ बनेगी? और एक जो सवाल सबसे बड़ा है कि चाइना ने मसूद अजहर को किस तरीके से उस मसले पर एक सफलता भारत की कूटनीति ने वहाँ प्राप्त की, ठीक चुनाव से पहले का वाक्या है, हम और आप उस समय इसी डिबेट में थे, इसी चैनल पर आप भी हमारे साथ डिबेट में थे, लेकिन क्या चाइना वाकई उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब जो मानवता के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, अगर इनको बचाएगा तो उसके घर भी आग पहुंचेगी? तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान जड़ से समूल नाश नहीं हो जाता, तब तक क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या क्या कहा जाए इसको? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो यह है, जहाँ तक इमरान खान के ट्रंप से मिलने की और इसकी संभावना की बात है कि ट्रंप उनको ड्रेसिंग डाउन देंगे, ये हो सकता है ट्रंप ऐसा कहें, क्योंकि जैसे कि सरल साहब ने बताया ट्रंप बहुत ही ब्लंट है जी, लेकिन इसके साथ साथ ट्रंप बड़े अनप्रडिक्टेबल भी जी, और ट्रंप को भी अपनी अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ध्यान में रखना, क्योंकि अगले साल वहाँ चुनाव है जी। तो ट्रंप नहीं चाहेंगे कि सीनेट और कांग्रेस और जनता इन जनरल, पब्लिक एट लार्ज वहाँ की ये सोचे ट्रंप के बारे में कि ये आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं जी। इसलिए ट्रंप को भी कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये लेकिन पाकिस्तान को अभी भी अमेरिका पूरी तरह नकार नहीं सकता, क्योंकि अफगानिस्तान के लेकर के पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है अमेरिका की। इसलिए ट्रंप करेंगे कुछ, लेकिन कितना करेंगे ये तो बाद में ही पता लगेगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने कहा कि चाइना द्वारा, चीन द्वारा बचाने की बात, चीन ने बहुत कोशिश की मसूद अजहर को बचाने की, लेकिन अंततः चीन को भी झुकना पड़ा। और जहाँ तक आपकी बात यह है कि क्या आतंकवाद की आँच चीन तक नहीं पहुँच रही, वो ऑलरेडी पहुँच चुकी है। चीन के जो उइगर मुस्लिम हैं वहाँ पे ये हो रहा है, और चीन ने उनको कंसंट्रेशन एंड उनको एजुकेशन कैंप में डाला है ऐसे लोगों को, वहाँ उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं या नहीं ये बात दूसरी है, लेकिन जो भी हो रहा है पाकिस्तान चाह करके भी चीन का इस मामले में चीन की मुखालफत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन से पैसा मिल रहा है। और जहाँ तक ये बात रही कि FATF की सदारत चीन द्वारा हासिल करने के बाद पाकिस्तान को कुछ राहत मिलेगी, मैं थोड़ा सा इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि चीन भी पाकिस्तान का साथ कहाँ तक देगा? चीन व्यापारी देश है और चीन की ज़रूरतें उस देश का साथ वहीं तक देता जहाँ तक उसकी ज़रूरत। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान एक दिन उसके लिए बोझ बन जाएगा, जो कि धीरे धीरे हो रहा है, तो चीन भी धीरे धीरे अपना हाथ खींचेगा, जिसका प्रमाण आपने देख लिया कि मसूद अजहर के मामले में चीन ने क्या किया। धीरे धीरे चीन की पॉलिसी नम्र होती गई, फ्लेक्सिबल होती गई, और आखिर में चीन ने अपना ऑब्जेक्शन हटा लिया। तो लेकिन फिर भी सब बातों के बावजूद ये एक ध्रुव सत्य है कि पाकिस्तान का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, तो जब भी दो चीज़ें रही हैं, पाकिस्तान जब भी कहीं मदद मांगने जाता है तब वो कुछ ऐसा करके दिखाता है या करने का ढोंग करता है कि वो मानवाधिकार का संरक्षण कर रहा है, आतंकवादियों पे कब्जा कर लगाम कस रहा है। और ये तो पहली चीज़ हुई इनकी पॉलिसी की। दूसरी चीज़ है, जब भी पाकिस्तान में कोई इंटरनल विजिट, कोई
बड़ी विजिट होती है या भारत में कोई बड़ी विजिट होती है उसी वक्त आतंकवादी हमले होते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए भारत भारत में खुद ही कश्मीर में समस्या हो रही, हम कुछ नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान इन चीज़ों को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक पूरी तरह लाचार नहीं हो जाएगा। हमें पाकिस्तान को नेशनाबूत करने की जरूरत नहीं है, हम चाहते भी नहीं कि कोई भी हम नेशनाबूत हो, हमारा जो पड़ोसी हम चाहते हैं अच्छा हो। हमें टेररिज्म को आतंकवाद को नेशनाबूत करने की जरूरत जो हम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं त्रिपाठी जी, चूंकि इसी पर चर्चा, जो जाधव मामले का जो सच लगातार आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं संजय राय और कर्नल साहब के पास भी जाऊंगा। कर्नल, जाधव के मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान ने बहुत आक्रामकता दिखाई और ईरान से किडनैप करता है, उसके बाद वो बताता है कि बलूचिस्तान से उसको वो दिखाता है गिरफ्तार किया गया, और जिस तरीके से उनकी माँ और पत्नी के साथ व्यवहार होता है, एक्सेस नहीं दी जाती है, उस समय भी वो दबाव करता है, ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आपसे जो चूंकि मैं समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि बहुत पूरा फैसला शायद भारत के पक्ष में ना आए, जाधव के पक्ष में ना आए, तो ये पूरी डिजाइन इनको दिखाई नहीं पड़ रही है क्या, जो पाकिस्तान का जिस तरीके का व्यवहार रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? देखिए, उनको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जहाँ तक इतिहास रहा है कि किसी भी मामले में उन्होंने एक इकट्ठे एकदम साफ साफ झटके वाला डिसीजन नहीं दिया है जी। और तीन मामले ऐसे हुए, चार मामले, उरुग्वे के, पराग्वे के, जर्मनी के और मेक्सिको, इन सब में एक पार्टी यूएस थी, एक पार्टी ये दूसरे देश थे, इन सब मामलों में यूएस के खिलाफ हुआ है डिसीजन, लेकिन यूएस माना नहीं है जी, क्योंकि ताकतवर देश है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान की यूएस से तुलना नहीं हो सकती, पाकिस्तान चारों ओर से कॉर्नर है, इसलिए मानने को बाध्य। और जहां तक रही बात ये कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला आएगा उसको पाकिस्तान मानने को बाध्य होगा, तो दो चीज़ें उसमें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो जिनेवा वियना कन्वेंशन पर दोनों देशों ने दस्तखत किए हैं, और वियना कन्वेंशन के साथ साथ जो प्रोटोकॉल 2 है जिसमें यह है कि ये हस्ताक्षरकर्ता देश मानेंगे, उस पर भी दोनों देशों के दस्तखत हैं। ठीक है, साथ साथ जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान की आलोचना हो रही, जिस चीज़ के लिए हमने पाकिस्तान को घेरा इस मामले में कि प्रोसीजरली गलत किया गया, उनको न कंसुलर एक्सेस दिया गया, न वैधानिक सहायता दी गई, और न उनके साथ मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कोई पालन नहीं किया गया वहाँ पर। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, जर्मनी वर्सेज यूएसए केस 1999 में आया था ICJ में, जिसमें लेग्रैंड केस भी कहा जाता है, इसमें साफ साफ ICJ ने लिख दिया था कि नो डोमेस्टिक लॉ कैन डिप्राइव द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल विच गारंटीज दैट फुल वेट इज गिवन टू द इंफ्रिंजमेंट ऑफ हिज राइट एज सेट फोर्थ इन द कन्वेंशन। कि मतलब डोमेस्टिक लॉ, जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि मिलिट्री लॉ के तहत हमने किया, कि कोई भी डोमेस्टिक लॉ जो है ओवर राइड नहीं कर सकता वियना कन्वेंशन को या इंटरनेशनल लॉ को। तो इसलिए पाकिस्तान अभी तो बैकफुट पे है, लेकिन ये वही है कि अंत में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये नहीं कहेगा कि फांसी की सजा स्थगित करके उसको सरासर छोड़ दिया जाता है कुलभूषण यादव, सिर्फ यही कहेंगे कि ठीक है आप सिविल प्रोसीजर गलत था, आप सिविलियन कोर्ट में ट्राई कीजिए, और मेरे ख्याल से अगले 4-6 महीने में पाकिस्तान अपनी लाज बचाने के लिए बंदियों का एक्सचेंज के बहाने कुलभूषण यादव को छोड़ कुछ कर सकते हैं। ठीक है संजय राय जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और लेकिन अब मैं आपसे कुलभूषण जाधव के मसले पर ही आना चाहता हूँ। आपने आतंकवाद पर चर्चा की, लेकिन कुलभूषण जाधव के मसले पर देखिए, त्रिपाठी जी पूर्व राजनयिक हैं और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के तमाम जो पुराने वाकयात थे उदाहरणों के साथ बताया कि किस तरीके के वहाँ से फैसले आते हैं, और भारत सरकार लगातार कहती चली आ रही है कि कुछ भी हो जाधव को वापस लाने के लिए कुछ भी करेंगे, तो फैसला जो भी आता, आपने ठीक कहा था कि वो पक्ष में आएगा, जो भी होगी राहत मिलेगी वो भारत की कूटनीति की जीत ही होगी, लेकिन वो शायद आधी जीत होगी। अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं अपनी, वो किस कदम तक उनको जाना चाहिए? देखिए, एक बात राजकिशोर जी ने आपने खुद कहा कि जो है कि जैसा देश जानता भी है, दुनिया भी जानती है कि कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया ईरान से और दिखाया बलूचिस्तान से, तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग मोबाइल हर समय रखते हैं, बहुत तरह से सबूत भारत सरकार ने जुटाया है, और वो सारे जो है कि
फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखा है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सारे भारत सरकार के फैक्ट्स को देखने के बाद मुकुल रोहतगी को सुनने के बाद पहले तो केस ही एक्सेप्ट किया, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में वो सभी केस वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ होते हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें इतना ब्लंडर किया है पाकिस्तान ने कि जो है वो बिल्कुल सिक्वेंस नहीं है, वो जो है कि एक तरह से जबरदस्ती फांसी देने वाली बात है, उनके पास प्रूफ नहीं है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी प्रूफ पे काम करेगा, जो एविडेंस है उस पर काम करेगा। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा संभावना है कि पूरी तरह से इनको जो है वहां से बरी किया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आंशिक सफलता मिलती है तो भी भारत सरकार की सफलता है, भारत के नागरिकों की जीत है, और जो उसमें कोई कमी रहेगी तो निश्चित रूप से एक पार्टी के रूप में भी हम लोग निवेदन करेंगे, और सरकार ऐसे भी अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है, मोदी जी की सरकार उसमें जाएगी। मैं कुछ मेंशन करना चाह रहा था जी, जल्दी से। हाजी साहब ने बात कहा, उससे जुड़ी बात शॉर्ट में मैं मेंशन करता हूं। देखिए, एक बात तो क्या हुआ है राजकिशोर जी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो संस्था जितनी भी पत्रकारिता हो, सबको मिलिट्री ने एक तरह से कैप्चर करके रखा है। आज उन्होंने जो गिरफ्तारी का वारंट भी एक कोर्ट से जारी कराया है, एक कोर्ट से, क्योंकि सारा कुछ मिलिट्री के टिप्स पे है। जब वो चाहते हैं जो है चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके इमरान को जुटा देते हैं, वो तारिक फतेह साहब कहते हैं कि मिलिट्री के लोग सीधे पोलिंग बूथ पर खड़े होकर के वोट डाल दिए, तो जो चाहते हैं वो करते हैं, वहां पूरी अराजकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इनको आपने कहा कि हथकड़ी नहीं लगाए और सम्मान से ले जा रहे हैं, जिस समय पुलवामा के बाद की प्रतिक्रिया में बालाकोट का एयरस्ट्राइक हुआ, उस समय वहां संसद की बैठक बुलाई गई, उस बैठक में वहां के रेल मंत्री ने कहा कि हाफिज सईद साहब, माननीय हाफिज सईद साहब, तो उनका पूरी तरह से स्टैंड क्लियर है। बस वह दबाव है जो आपने कहा कि एक डोनाल्ड ट्रंप साहब से। और एक बात और छोटी मैं कर रहा हूं कि कश्मीर में जो आतंकवाद है, देश को एक जानना चाहिए, कश्मीर के आतंकवाद जो है अलगाववादियों द्वारा पोषित होता है। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में वो लिस्ट पढ़ी थी जी, बिल्कुल, सारे अलगाववादियों के बच्चे बेटे बेटियां विदेश में पढ़ते हैं, अमेरिका यूरोप में पढ़ते हैं और लंदन में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और दूसरे के बच्चों से 500 रुपया और 1000 रुपया शाम को देते हैं, दिन में पत्थर चलवाते हैं। और एक जो मौलिक बात है हाजी साहब की बात में मैं जोड़ रहा हूं, अंतिम पॉइंट वो ये है कि देखिए, इस्लाम की कुछ लोग गलत व्याख्या किए हैं, वो व्याख्या ये किए हैं कि जो काफिर होगा उसको मारने पर जन्नत मिलेगी, चलिए, और वो तो लोग दारुल हरब और दारुल इस्लाम नामक दो तरह का देश बताया है, भारत को दारुल हरब मानते हैं और इस पर इसके खिलाफ इस्लाम के स्कॉलर को ही आना पड़ेगा, इस्लाम के जो बड़े विद्वान है उन्हीं को आना पड़ेगा कि ये जो है व्याख्या गलत है और ये सही व्याख्या। बिल्कुल संजय जी, देखिए जो आप बात कह रहे हैं, हाजी साहब ने वो व्याख्या खुद ही कर दी थी, और जब उन्होंने जो बात कही, मैं कर्नल साहब आपके पास आऊंगा, हाजी साहब चूंकि बात संजय राय साहब ने कर दी है तो मैं चाहूंगा कि पहले हाजी साहब इस बात पे अपनी बात रखें, और चूंकि उन्होंने तो साफ साफ कहा कि जो मानवता के दुश्मन है, जो इंसानियत के दुश्मन है, उनके साथ किसी भी तरीके की रियायत नहीं बरती जा सकती है। जी हाजी साहब, देखिए दो बातें हैं, एक ये कि मुसलमान का अमल क्या है वो एक अलग चीज़ है, और इस्लाम का आदेश क्या है वो एक अलग चीज़ है। हमारे अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने जो बात कही कि साहब वो काफिर को कत्ल करो, अरे भाई दुनिया में आप ये बताइए कि इस मुल्क के अंदर कौन है जिसने ये कहा कि हम दारुल हरम में रहते हैं जी। ये दारुल अमन अगर ना माने तो हमारे लिए फिर यहाँ पर वोट देना, वोट की प्रक्रिया में शामिल होना, सरकारों को चुनना, सरकारों के कानून को मानना, संविधान पर आस्था व्यक्त करना, ये सब हमारे लिए एकदम विपरीत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इस्लाम को पूरी तरह से समझिए, कुरान ने क्लियर कट कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या संपूर्ण मानवता की हत्या है। बिल्कुल, तो कुरान ने ये कहाँ कहा है कि काफिर को पकड़ो और कत्ल कर दो, ऐसा नहीं है, ये भ्रम फैलाने की स्थिति की बातें हैं।
जिस तरह से कुछ लोगों ने भगवा वस्त्र धारण करके इस देश के अंदर आतंकवाद को किया, तो इसको हिंदू मैथोलॉजी से नहीं जोड़ा जा सकता है, इसको हिंदू धर्म का पार्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बीजेपी के लोगों ने ऐसे लोगों को जो आतंकवाद में मुलव्वित थे उन्हें सांसद पद तक पहुंचाने का भी काम किया है। जरा समीक्षा ये कीजिए, इसको धर्मों से मत जोड़िए, इसको राजनीतिक दृष्टि से देखिए। राजनीति में आप किसी भी संप्रदाय पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको किसी धर्म से जोड़िए कि नहीं इस्लाम का ऐसा आदेश है। इस्लाम पूरी दुनिया में आप बताएं कहां मुसलमान जो है आप बीजेपी पर चले गए। एक सेकंड संजय जी, पहली बात तो ये है कि संजय राय ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा इस्लाम में सिखाया था। संजय राय ने आपकी बात को आगे बढ़ाया था, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूं। कुरान की उस आयत को कोट नहीं, वो कुरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं नहीं, काफिर को पकड़ो, कत्ल करो। काफिर को कत्ल करने का हुक्म नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि इसको लेकर गुमराह किया जाता है, गलत किया जाता है, ऐसा गुमराह किया जाता है, ऐसा ऐसा नहीं कहा था। भाई मैं खुद कह रहा हूं, देखिए 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 मेरी बात सुनिए। एक सेकंड नहीं, आपने तो अपील की, आपने बहुत बड़ी बात की। से अपील कर रहा हूँ जिन्हें इस्लाम के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने पहले कहा लोगों का ठिकाना जेल नहीं, फांसी का फंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो ड्रामा ना करे कि वो उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर रहा है और 5-star होटल की फैसिलिटीज दे रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान दुनिया को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान को हाफिज सईद जैसे लोगों को फांसी में लटकाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बम ब्लास्ट करवाया, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों का खून बहाया, वो हमारा खून बहा है। बिल्कुल, वो इंसानियत का खून बहा है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। बिल्कुल, लेकिन खून किसी का भी बहे, अगर धर्म की आड़ में खून बहाया जा रहा है तो ये वो धर्म के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, ये चंद लोग धर्म का उपयोग गलत कर सकते हैं। ठीक है हाजी साहब, ठीक है। आपने जिस तरीके से बात अपनी साफ गोई से रखी है, बड़ी बात है। और देखिए, हम लोग ऐसे मुहाने पर खड़े हुए हैं और जिस तरीके की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें एक बात तो साफ साफ दिखाई भी पड़ रही है कि आतंकवाद के खिलाफ और जो इंसानियत के खिलाफ कोई भी बात होगी तो उसमें किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी प्रांत का हो, हिंदुस्तानी एक सुर में बोलता है और किस तरीके की भाषा निकलती वो बड़ी बात है। इसलिए हमें लगता है कि इस तरीके से जो ऐसे मुद्दों पे सियासी जो अल्फाज हैं, जो सियासी जो सोच है वो नहीं आनी चाहिए। खैर, आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आऊँगा, कर्नल साहब, फिर मैं वही बात आपके पास आऊँगा। मैं हाफिज सईद के मसले पर, आप थोड़ा आशावादी लग रहे थे कि हाफिज सईद सरकार ने, भारत सरकार ने जिस तरीके का शिकंजा कसा है, उस शिकंजे को कसने के बाद ऐसा लगता है कि शायद कार्रवाई हो जाए। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी, आप जब कह रहे थे उसी समय तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर चल रही थी। और दूसरी बात एक और जो अभी बहुत महत्वपूर्ण बात पीके सहगल साहब ने कही कि किस तरीके से चीन वहां पर पाकिस्तान को शेल्टर देता रहा है। मसूद अजहर के मसले पर उसको एक बार मुखी खानी पड़ी, लेकिन जब उसके पास FATA का एक तरीके से सदारत आ जाएगी तो शायद पाकिस्तान तब तक के लिए या डोनाल्ड ट्रंप के सामने भला बनने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहा है, पर उससे बहुत ज़्यादा तस्वीर शायद बदलने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप फौजी होने के नाते भारत सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरीके से इस पूरी स्थिति से वो निपटे? देखिए, भारत सरकार के जो स्टेप्स अभी आ रहे हैं वो काफ़ी सही दिशा में आ रहे हैं। जैसा कि हमने पूरे आतंकवाद को पिछले 35-40 साल में देखा है, चाहे नॉर्थ ईस्ट का रहा हो, चाहे श्रीलंका का रहा हो, जैसे हाजी साहब ने धर्म का नाम लिया, वो बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। आतंकवाद से कोई धर्म से मतलब नहीं है। बिल्कुल, मिलिटेंसी जिसको कहिए या जो भी कह लीजिए आप, चाहे वो LTT का रहा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में रहा हो, चाहे अब कश्मीर में रहा हो। बिल्कुल, कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स हैं मेनली जो था है, और जो पाकिस्तान से फंडिंग होती थी, ये हाफिज साहब की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज साइड पे मत जाइए, इनके करीब 9 ट्रस्ट हैं जिसमें बेनामी पैसे आते हैं, जो पैसे इंडिया में आते हैं जी। अब ये सिकंजा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री कस रही है, ये जो सिकंजा जो डिफेंस मिनिस्ट्री कस रही है, ये जो सिकंजा जो होम मिनिस्ट्री कस रही है, और ये चौथा सिकंजा जो कसने जा रहा हो कस रहा है वो है जयशंकर प्रसाद, सॉरी नॉट जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी। तो ये चारों मिनिस्ट्री जो है जब मिल करके डफटेल होकर के कार्रवाई कर रहे हैं, वो देखिए क्या होगा अभी।
आपने पूरे के पूरे फाइनेंस के ऊपर जो भी आपने रोक लगाई है उससे जो है जो फाइनेंसिंग होती थी जेएनके के अंदर कट गई है। अगर ये इंटरनेशनली जो ग्रे में अगर पाकिस्तान आज की डेट में है और अक्टूबर में अगर ब्लैक लिस्टेड कर लिया जाता है तो उसकी क्या हालत होगी, सहगल साहब बता रहे थे और मैंने भी पहले बताया था। बिल्कुल सिंह साहब देखिए, अगर ब्लैक लिस्टेड में आ जाएंगे यहाँ तक कि चाइना भी मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखिए कुल मिला के आतंकवाद तो इस हालात आतंकवाद के आक्रमण को कोई लंबे समय तक नहीं बचा सकता और बिल्कुल सही बात है कि भारत भी आक्रामक है और दुनिया को भी ये बात भारत की अब समझ में आ रही है कि आतंकवाद किसी एक दहलीज तक नहीं रुकेगा, वो सारी दहलीजों को लागेगा। इस गंभीर चर्चा में इस मुखरता से प्रखरता से बात रखने के लिए आप सभी अतिथियों का मैं शुक्रिया करूंगा, आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं कह सकता हूं कि इस गंभीर चर्चा के बाद एक बार फिर वही बात निकलकर सामने आई है जिसके लिए पाकिस्तान पहले से बदनाम है। पाकिस्तान अपने थोड़े से या क्षुद्र फायदों के लिए आतंकवाद को पनाह देता रहा है। आतंकवाद से जंग के नाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका से मोटी आर्थिक मदद ली और सिवाय आंखों में धूल झोंकने के और कुछ कभी नहीं किया। इसी फायदे के लिए आज वो हाफिज सईद पर फिर शिकंजा कसने का दिखावा कर रहा है। लेकिन अब की बार मोदी सरकार के तेवर और पुख्ता कूटनीति के सामने पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम होगी। पाकिस्तान अगर अब भी नहीं सुधरा और आतंकवाद के खिलाफ ईमानदार कार्रवाई नहीं की तो उसका वजूद भी बाकी नहीं बचेगा। आज के लिए राजनीति में बस इतना ही। एक बार फिर आप दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आपके प्यार और भरोसे के लिए कल फिर हम हाजिर होंगे सियासत के नई इबारत लेकर। लेकिन आप लगातार देखते रहिए एबीपी गंगा, क्योंकि पूरा देश जिसका शिद्दत से इंतजार कर रहा है कुलभूषण जाधव के मामले में क्या फैसला आता है आईसीजे का, वो लगातार एबीपी गंगा पर उसकी भी कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए लगातार एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी। राहुल गांधी